सबके बीच हमने कॉन्स्टेंटली यहाँ पर MCX में वॉल्यूम्स को बढ़ते हुए देखा है, और अब तो यहाँ पर हम MCX को लेते हुए भी आ रहे हैं मंथली ऑप्शंस के साथ, स्पेशली सोने में 1 किलो की 11 नवंबर से ये लॉन्च भी हो जाएगा। ऋषि नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले ऑब्वियसली बाजार को इसका इंतजार था, आप इसके बारे में हमसे बात भी करते रहे हैं, अब जब ये फाइनली यहाँ पर लॉन्च हो रहा है तो क्या इसके डिटेल्स हैं, स्पेसिफिकेशंस हैं? धन्यवाद मनीषा, नमस्ते। आशा करता हूँ सबकी दिवाली बहुत अच्छी रही। ये जो सोने का कॉन्ट्रैक्ट है, ये हमारा बाई मंथली ऑप्शंस का कॉन्ट्रैक्ट था। फ्यूचर्स अंडरलाइंग जो है वो बाई मंथली ही है, और ये जो ऑप्शंस बाई मंथली थे उसको अब हम मंथली में तब्दील कर रहे हैं। तो मंथली कॉन्ट्रैक्ट जहाँ जहाँ मिसिंग थे, तो पहला कॉन्ट्रैक्ट जो है दिसंबर का, उसके बाद फरवरी, अप्रैल, जून और अगस्त, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट हमने अभी अनाउंस कर दिए हैं। सो सारे कॉन्ट्रैक्ट 11 नवंबर से उपलब्ध रहेंगे ट्रेडिंग के लिए, और हमें यही आशा है कि इतनी जो हाइटेंड वॉलीटिलिटी है मार्केट्स में, उससे जो भी लोग अपने आप को बचाना चाहते हैं, हेज करना चाहते हैं, अपने पोजीशंस को सेफ करना चाहते हैं, तो एक शॉर्टर ड्यूरेशन ऑप्शन से प्रीमियम भी घट जाएगा, आधा तो हो ही जाएगा बाय मंथली से मंथली में, आशा ऐसे ही है। तो उस हिसाब से लोगों को एक और सहूलियत मिलेगी एक ऑप्शंस को शॉर्टर ड्यूरेशन में ट्रेड करने का। वेल एब्सोल्युटली ऋषि, शॉर्टर टेन्योर के कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर चाहिए ही थे मार्केट्स को, इसमें ऑफकोर्स मल्टीपल एक्सपायरीज भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप कहेंगे इंडियन मार्केट्स तैयार हैं इस तरह की नीश प्रोडक्ट्स के लिए, आप वन और किस तरह का पार्टिसिपेशन एक्सपेक्ट करेंगे? देखिए, नीश प्रोडक्ट तो है ही, गोल्ड एक्चुअली नीश तो नहीं है, आम हर आदमी के साथ जुड़ा हुआ है, हर आदमी गोल्ड समझता है, और हमने इसको काफी दिन से बाय मंथली ऑप्शंस करके देखे हैं और उसमें अच्छा सक्सेस आया है, तो हमें लगा कि समय एकदम पर्याप्त है इसमें अभी कि हम इसको मंथली ऑप्शंस में ले आए। और पार्टिसिपेशन जो है, मुझे तो यही लगता है कि और बढ़ेगा, क्योंकि जब ऑप्शंस के प्रीमियम कम होंगे और 2 महीना थोड़ी लंबी अवधि हो जाती है, तो 1 महीना भी काफी अच्छा अवधि है जिसमें लोग अपने आप को हेज कर सकते हैं ऑप्शंस के माध्यम से, तो मैं सोचता हूं कि इससे ओवरऑल पार्टिसिपेशन को वृद्धि मिलेगी। एब्सोल्युटली, हेजिंग की कॉस्ट यहाँ पर कम है, मल्टीपल हेजिंग अपॉर्चुनिटीज अब यहाँ पर इसकी वजह से यहाँ पर आते हुए नजर आई हैं, और जैसे आपने कहा भी ये लेस कैपिटल इंटेंसिव भी है इन दैट सेंस। अब जिस तरह से सोने चांदी में मूव है, जस्ट फॉर एन अंडरस्टैंडिंग ऋषि, अब जगह अगर हम MCX का ओवरऑल कारोबार यहाँ पर देखें तो कहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम्स हैं और क्या एक्सचेंज का वर्क है आगे जाते हुए? देखिए, वॉल्यूम्स हमारे आज जैसा आप जानते हैं प्राइमरीली जो एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स है वहाँ हैं, बुलियन कॉन्ट्रैक्ट्स में, और अब बेस मेटल्स में भी काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन आ रहा है। इनफैक्ट कल हमने कॉपर ऑप्शंस में ऑल टाइम हाई टर्नओवर किया है, अभी भी बहुत आगे बढ़ना है, बट हर बार अगर ऐसे ही नए हाई करते रहेंगे तो बेस मेटल के ऑप्शंस भी जोर पकड़ेंगे। और आगे चल के भी मुझे यही लगता है कि जो इतनी वॉलेटिलिटी है ग्लोबली, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बोलिए या जो भी बोलिए, तो कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज का रहना और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लोगों को एक अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए, चाहे फ्यूचर्स हो या ऑप्शंस हो, उसके माध्यम से अपने आप को हेज करके अपने पोजिशंस को सेफगार्ड करना बहुत अनिवार्य हो जाता है, और ये एक्सचेंज एक बहुत बढ़िया माध्यम है उसको, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के। ऋषि, आप ये कह रहे हैं कि अब बाजार को मेटल्स में मंथली ऑप्शंस का नेक्स्ट चीज देखना चाहिए, वॉच आउट रखना चाहिए? मेटल्स में तो ऑलरेडी मंथली ऑप्शंस हैं, तो अभी तो गोल्ड में लाए हैं, देखिए आगे और जैसे जैसे और भी प्रोडक्ट्स आएंगे जरूर मार्केट को हम बताएंगे। जैसा और मैं वहां आपको, से किस तरह का फीडबैक है जिस तरह से मंथली ऑप्शंस आप लेकर आए हैं वहां पर? नहीं तो मंथली कहाँ पे, गोल्ड में अगर आप कहें तो गोल्ड मेटल्स में तो मेटल्स में फीडबैक अच्छा ही है, इसीलिए तो मैंने कहा कि जैसे मंथली ऑप्शंस कॉपर में कल ऑल टाइम हाई हुआ टर्नओवर, तो ऐसे ही आगे चल के हम यही आशा करते हैं कि मेटल्स में भी ऑप्शंस में पार्टिसिपेशन बढ़ेंगे, फ्यूचर्स में भी बढ़ेंगे, तो ओवरऑल हम अपने जितने भी सेगमेंट्स हैं, चाहे फ्यूचर्स हो, चाहे ऑप्शंस हो, और एनर्जी हो, चाहे बुलियन हो, चाहे बेस मेटल हो, चाहे एग्री हो, सब में ही हम वृद्धि देखना चाहेंगे और उसी के लिए हम चेष्टा में लगे। एक फाइनल सवाल ऋषि, देन आगे अब यहाँ पर और क्या वॉच करने के लिए है? मंथली ऑप्शंस, शॉर्ट टेन्योर ऑप्शंस की बात हम काफी समय से कर रहे थे, आपने फाइनली उसको भी लाया है, मेटल्स पे आपने कहा कि कॉपर ने ऑल टाइम हाईज भी बनाए हैं इन दैट सेंस, इन सेंस ऑफ वॉल्यूम्स, अब आगे क्या है देखने के लिए जिस तरह से कमोडिटीज हैं इन फेवर हैं, आगे जाकर और वॉलेटाइल भी हो सकती हैं? तो जैसे मैं हर बार कहता हूँ कि हमारा पाइपलाइन है, हम काफी
प्रोडक्ट्स पे वर्क करते रहते हैं, और जैसे ही हमें रेगुलेटरी अप्रूवल मिलेगा और हमें जब जैसा ही लगेगा कि ये पर्याप्त समय है मार्केट में इसको लाने के लिए, हम जरूर लाएंगे। शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। एंड ऑफ कोर्स 11 नवंबर को वो न्यू लॉन्चेस भी हैं, जहां पर बाजार को इंतजार भी था मंथली ऑप्शंस का यहां पर आता हुआ। और ऋषि हमें बार बार वो चीज़ कहते भी रहे हैं कि बाकी प्रोडक्ट्स में इसने काफ़ी अच्छा काम किया है और एक्सपेक्टेशन है कि सोने में उसी तरह का पार्टिसिपेशन हम आता हुआ देखेंगे भी। इसी के साथ एक ब्रेक का